हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। क्या फ्रेंड्स, आप जो सब्जी देख रहे हैं आपके भी बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वाकई में, तो आज मैं आपको इसी सब्जी को इतने बढ़िया तरीके से बनाना बताने वाली हूँ कि आपके बच्चे दो की जगह चार रोटी खाया करेंगे। तो चलिए इन मूलियों को सबसे पहले काट लेते हैं, उसके बाद थोड़ा छील लेते हैं। और ये देखिए हल्का हल्का सा ही छीलना है, कुछ ज़्यादा नहीं इसको छीलने से हमें करना, सिर्फ चाकू की सहायता से थोड़ा बहुत काला सा पार्ट रहता है इसको अलग कर देंगे। और इसको देखिए हमें कुछ इस तरीके से बारीक बारीक काटना है। आप बारीक काटेंगे ना तो ये सब्जी थोड़ा जल्दी बन जाएगी, और मोटा रखेंगे तो शायद थोड़ा सा टाइम ले पकने में, तो इस वजह से बहुत ही बारीक, जितना आपसे बारीक कट सके मूली उतनी आप बारीक कर लीजिएगा। सारी मूली हमें इसी तरीके से काट लेनी है, और ये जो मूली के पत्ते हैं उनको भी हम सब्जी में डालेंगे, और इसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। बच्चे इसे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके बच्चे बहुत अच्छे से इस सब्जी को खाएंगे और बहुत मज़े लेकर के खाएंगे। तो आप देखिए अब इन पत्तों की हमें बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है, इस तरीके से चाकू या हेसिया जो भी आप कटिंग के लिए यूज़ करते हो उसे आप करिएगा, एकदम बारीक बारीक। मोटा मोटा रखेंगे ना तो ये इसमें थोड़ा पानी सा रहता है, फिर बाद में इसको पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा बारीक ही रखिएगा जब भी आप सब्जी की कटिंग करते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखते ही देखते देखिए हमारी जो सब्जी है कट हो चुकी है, ये कुछ इस तरीके से कटिंग की है मैंने। अब दोनों को मिला करके अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए, और जो भी मिट्टी लगी हुई होती है एकदम साफ़ हो जाए। तो बहुत सारा पानी लीजिएगा धोने के लिए, और ये देखिए एकदम साफ़ हो चुकी है। और इसका तड़का लगाने के लिए मैंने लहसुन लिया है, हरी मिर्च ली है, और ये आधा कप मूंग दाल है। तो और कढ़ाई में चलिए तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच तेल, तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद जीरा डाला है, उसके बाद लहसुन डालेंगे, लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हरी मिर्च को डाल देंगे, और हरी मिर्च को भी अच्छे से इसको अच्छे से चटक जाने दीजिएगा तभी हम सब्जी को डालेंगे। तो देखिए अच्छे से बन चुकी है हरी मिर्च भी हमारी, तो अब ये सब्जी हम इसमें डाल देंगे और आधा एक मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद ये सब्जी थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ने लगती है, और इसके पत्ते थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं। उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले में हमने हल्दी डाला है, लाल मिर्च डाला है, और साथ ही साथ इसमें नमक डालेंगे। तो और अच्छे से मसाले के साथ इस सब्जी को मिक्स कर देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाते रहेंगे। तो ये देखिए नमक भी डाल दिया है, हल्दी और मिर्ची डालने के बाद, और ये देखिए बीच में जो सब्जी है उसको थोड़ा साइड करके इसमें बीच में मूंग दाल को डाल देंगे, और जो आप साइड में सब्जी देख रहे हैं ना इसी मूंग दाल के ऊपर कर देंगे ताकि जो मूंग दाल है अच्छे से पक सके। और इस तरीके से इस सब्जी को बहुत ही धीमी आंच पर बनने के लिए छोड़ देंगे, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हम आधा कप पानी डाले हैं। इससे क्या होगा जो मूंग दाल डाली है ना वो अच्छे से पक जाएगी, और जो सब्जी है जलेगी नहीं जल्दी, और बहुत ही धीमी आंच पर हमने होने के लिए छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए। बीच में मैंने एक बार इसको अच्छे से करछी से पलट पलट दिया था, और ये मैं आपको दूसरी बारी का दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसको आप मसल करके देख लीजिएगा अच्छे से मैश हो,
उसके बाद ही आप गैस को बंद करिएगा, क्योंकि ये सब्जी एकदम बन करके तैयार हो जाती है। बस हमें मूली अच्छे से इसको पकने तक ही पकाना है। तो ये लीजिए, जो सब्जी है हमारी एकदम बन करके तैयार है, बहुत ही अच्छी बनती है फ्रेंड्स। और ये हमारे पेट और शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप जानते ही होंगे। तो अपने बच्चों के लिए इस तरीके से ज़रूर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।